थैंक यू। अब छोटी पिक्चर सामने आ गई, बड़ी पिक्चर नजर आ रही। छोटी पिक्चर आपके उस बिहेवियर की जो आप चाहते हैं कि ना हो, जिसकी वजह से आप वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं, और वो है आपके माँ बाप को हज कराना। मैं एक आवाज करूंगा, हर आवाज पे इमेजिन करिएगा, छोटी पिक्चर खुलती है, बड़ी पिक्चर नजर आती है, दो डिफरेंट इमोशंस आपके शिफ्ट होंगे। बड़ी पिक्चर में बहुत अच्छे इमोशंस हैं, छोटी पिक्चर में बहुत बुरे इमोशंस हैं। जैसे ही मैं आवाज करूंगा, छोटी पिक्चर खुलेगी सेंटर में से और फिर बंद हो जाएगी फौरन। बड़ी पिक्चर खुश हो, फील करे माँ बाप को हज करा रहे, कितनी अच्छी खुशी मिल रही, और ये बंद होगी। अभी छोटी पिक्चर उस बुरी आदत की जो आप करते हैं, नाखून काटते हैं, फिर आवाज करूंगा, बड़ी पिक्चर खुश हो, फील करें माँ बाप को हज करा रहे, फिर बंद हो गई। अल्लाह, फिर छोटी पिक्चर आ गई, फिर ये बुरी आदत आ गई नाखून काटने की, और इस बुरी आदत की वजह से मैं बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहा। अब मैं मुसलसल कंटिन्यूसली आवाज पैदा करूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। आपने इमेजिन करना है पिक्चर खुलना, पिक्चर बंद होना, और आखिर में एक लंबी आवाज करूंगा, जिसके बाद छोटी पिक्चर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब इमेजिन कीजिए आप अपने माँ बाप को हज करा रहे हैं, खाना काबा का मंजर, फीलिंग वो पैदा करें, क्या फीलिंग होगी। ना सिर्फ ये कि आपकी अपनी ख्वाहिश पूरी हुई, मगर आप अपने माँ बाप के साथ हमरा एक बेटे की तरह एक फर्ज पूरा किया। इस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करें, अपने सीने में महसूस करें, और जैसे मैं आपको शोल्डर को टच करूं, उस फीलिंग को दुगना करें। इंसान का जहन किसी भी फीलिंग को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ये हमारे में सलाहियत है। जैसे ही मैं आपको टच करूं, उस फीलिंग को दुगना करें, मेक इट डबल, दुगना करें इस फीलिंग को। सांस उस तरह ले जिस तरह इंसान खुशी में सांस लेता है। अब इसको चार गुना करें, इस फीलिंग को चार गुना करें, चार गुना करें, चार गुना करें। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। और महसूस करें अपने अंदर उस ताकत को, उस कुवत को, कि जो आपको महसूस होती है जब आप ये काम करते हैं, यानी अपने माँ बाप को आप हज करवा रहे हैं, खाने का बन तवाब दे रहे हैं। अब मैं तीन गिनूंगा, तीन पे एक चुटकी बजाऊंगा। आहिस्तगी से आंखें खोलिएगा, और उसके बाद हम अपने आपकी आंखों को देखेंगे कितनी लाल हुई हुई। एक, दो, तीन। आहिस्तगी से आंखें खोले, देखें जी इनकी आंखें। इसका क्या मतलब डॉक्टर साहब, की आंखें लाल हैं? सजेस्टिबली इसका मतलब है रिलैक्स था ये बंदा, और इंसान जब नींद में से उठता है तो आपको पता ना आंखें लाल होती हैं, नींद पूरी नहीं हुई होती है। हाँ, तो ये आंखें लाल जो है वो सजेस्टिबिलिटी का, यानी इन्होंने सजेशन उस कैफियत में थे जिस कैफियत में इन्होंने। अच्छा, घड़ी आपको वापस मिल गई है, बेफिक्र रहे, हम किसी को एडवर्टाइज करने के बाद उसकी चीजें वापस दे देते हैं, उसको लेते नहीं है। तो अब आप हमें बताएंगे, एक आध महीने आप इसको ऑब्जर्व करके बताइएगा कि आप नाखून ले ही नहीं जा सकेंगे, अपनी उंगली आपकी मुंह की तरफ जाएगी, खुद ब खुद हट जाएगी। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? इमेज नजर आती है, बिग इमेज, बिग इमेज, माँ बाप को हज कराने की इमेज, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ट्राई करो, ट्राई करो, नाखून खाने की कोशिश करो, तुम तो बंदा है। नहीं होगा, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली ना कहे, अनकॉन्शियसली खाता है ना आदमी। जैसे कोशिश करो, कैसा लग रहा है? नहीं, वो नाखून जाएगा, उसमें माँ बाप हज नहीं कर सकेंगे। बिरयानी, कौरमा, नहीं, वो तो माँ बाप हज ही नहीं कर सकेंगे अगर नाखून काटे। डोंट यू सी व्हाट आई हैव डन? इसी अगर ये नाखून चबाएगा तो माँ बाप को हज पे नहीं ले जा सकता ये। सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, माँ बाप को हज कराना, माइंड अगर ये चीज एक्सेप्ट कर लेना, और अगर हम ये पूरी नेशनल असेंबली में करा दें तो ना जाने कितनी आदतें हम छुड़वा ले लोगों, लोग सोना छोड़ दें। वेरी नाइस, जी कॉल करके आप डॉक्टर एम से कोई बात कर सकते हैं। कितना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, ऐसा ने भी देखा, ऐसा आपने बड़ी बड़ी चीजें देखी होंगी, आपने ऐसा कोई देखा कभी? नहीं, वाकई नहीं देखा, मतलब इट वॉज वेरी नाइस। आई होप, मतलब आई डोंट नो, आई हैवन एक्सपीरियंस इट, आई होप इट्स रियली वर्किंग फॉर हिम। लेकिन जो पीछे एक सनसनीखेज म्यूजिक चला रहा था, उससे लगा कि अभी वो बोलेंगे खुल जा सिमसिम और किसी गार में हम लोग चले हम किसी और जमाने में पहुंच गए। और नादिया, वो उसका हमारे आपके खास व्यूअर्स के लिए हमने जो एक स्पेशल ऑफर है, महदूद मुद्दत तक के लिए मुद्दत है आपके लिए, कि डॉक्टर साहब का बड़ा जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, एक वर्कशॉप होती है, और यहाँ तो डॉक्टर साहब इतना चार्ज करते हैं ऐसे वर्कशॉप के लिए, तो आपका तो फिर भी काफी ठीक ठाक मुनासिब फीस होती है। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए, जो फर्स्ट 100 लोग SMS करेंगे फॉर दिस वर्कशॉप जो कराची में कल है, तो आपको फ्री एंट्री, फ्री एंट्री है 2 घंटे की। उसमें पूरा सेमिनार है, और उसमें माइंड क्या है, माइंड की एबिलिटी क्या है,
किस तरह स्टूडेंट इंप्रूव कर सकते हैं, हाउसवाइफ सास को कैसे अपना बना सकती है, सास बहू को कैसे अपना बना कैसे निकाल सकती है घर घर की कहानी। और एक और जो बड़ी मजे की उन्होंने बात की वो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत दुनिया में वो क्या था वो ये जो बता रहे हैं कि उसके लिए बहुत बड़े स्ट्रीट के डॉक्टर्स ने किया है केस, इट्स ऑन टाइम्स ऑफ लंडन के अंदर है, बहुत सारे और न्यूयॉर्क के अंदर उसमें आए मैगजीन्स में। उसने उस हिप्नोटिस्ट ने क्या किया कि उस खातून के कोई 6 हफ्ते के सेशंस लिए, उसमें उसने उसको ट्रांस में ले जाकर जब 2-3 सेशन के बाद डीप चला जाता है इंसान तो सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। उस खातून को यह सजेशन दिया कि रात को जब तुम सोओगी तो सोने के 2 घंटे के बाद यू विल ड्रीम, आप ख्वाब देखोगी कि आप थ्रेडमिल पे हो और आप थ्रेडमिल पे 1 घंटा दौड़ रही है। अच्छा लिसन अमेजिंगली वो नींद अब वो खातून ड्रीम होती थी 2 घंटे बाद क्योंकि आपका एक रैपिड आई मूवमेंट का एक 90 मिनट्स का एक पीरियड चलता है ठीक है और वो 5 दफा चलता है, यू ड्रीम 5 टाइम्स ड्यूरिंग द स्लीप। तो वो एक ड्रीम ऐसी आती थी जिसमें शी वुड इमेजिन शी इज वॉक शी इज रनिंग, तो वो कैलोरीज बर्न और मेटाबॉलिज्म हाई होता था तो उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं ना डाइट करने का, एंड शी वाज रिड्यूसिंग एंड दिस इज देयर दुनिया में मशहूर हो गया ये सर। ये तो अब ये जब नेक्स्ट थेरेपी लाइव हम जो अपने शो पे करेंगे वो वेट लॉस की ही करेंगे, तो इसमें जो यूएई में लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका वेट ऐसे कम हो हमारे शो पे आना पड़ेगा 4 हफ्ते 4 सेशन एटलीस्ट चार भी हो सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्लान करते हैं। कॉलर आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब, मारिया फ्रॉम दुबई, दुबई से वालेकुम, गुड मॉर्निंग मारिया कैसी हो? हेलो गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम सलाम मारिया, क्या सवाल है जानी बताओ। पहले मैं सीधी साथ इस तरह करूंगी, सुबह बखैर जिंदगी जो है सुबह के नए किरण नबी उस बंदाओं से ऑलपर्स पर एतमाद के साथ तैयारी के साथ आई फुल फ्लेज फखर है मुझे आप पे, थैंक यू वेरी नाइस। जी 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 मैं मारिया बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैं एक कॉलर को मैंने सुना, सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इल्म हासिल करने पर किसी की अजारा जारी नहीं है ना। मैंने खुद आपको मेल किया था कि आप डॉक्टर मोहित को अपने प्रोग्राम में बिल्कुल सही, क्योंकि हम भी इन माइंड साइंस के जो बानी है ना इनसे भी फैजियाब हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा नादिया मैं डॉक्टर मोहित से बात करना चाहूंगी। जरूर जरूर, तो पहले से ही फैन है आपकी डॉक्टर मोहित, बहुत शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। डॉक्टर मोहित जब फर्स्ट टाइम आप इस प्रोग्राम में आए थे तो मैंने ना SMS भी किया था और काफी ना मैंने ट्राई भी किया था, रिकॉर्डिंग आ रही थी एक्चुअली माई फ्रेंड हस्बैंड वेरी बैडली, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, डर खौफ अचानक फीलिंग में आ गई थी ठीक है। तो हम मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जो पाकिस्तान में थे तो हम अपने बच्चों को आपके पास लेकर आते थेरेपी के लिए ठीक है। तो मैं मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका, देन दे वेंट पाकिस्तान के चलो आपसे कांटेक्ट हो सके, बट पता चला आज इधर हैं आप। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि यू आर स्टार्टिंग योर ऑफिस हियर ऑल्सो, ताकि हमें भी कुछ इधर आपसे थेरेपी वगैरह लिए तो उधर ना जाना। मैं बताता हूँ वो नंबर्स आपको दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं पाकिस्तान का और दुबई का भी, एंड वी विल बी हियर इन दुबई। अब तो मेरा मुझे लगता है 4 दिन में ही आऊंगा, 3 दिन कराची हूँ। तो मैंने घर मेरी मम्मा से मैंने कहा मम्मा 2 बैग्स रखने मुझे, एक लेके आया करूंगा एक लेके जाया करूंगा। और इट्स अ चैलेंज, डिफिकल्टी है ट्रैवलिंग, बट इट्स अ चैलेंज बिकॉज कराची से आए। आई थिंक हम इस NKS के हवाले से और इस मॉर्निंग शो के हवाले से जो मैं लाना चाह रहा हूँ नादिया, वो एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, राइट। रेवोल्यूशन उस वक्त पॉसिबल है जब होस्ट और पूरी मैनेजमेंट सपोर्ट करें कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मूवमेंट शुरू करें जहां लोग अपने जहन को इस्तेमाल करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें, रिगार्डलेस पैसा होना हो, दैट डजंट मैटर। सम पीपल हैव लॉट ऑफ मनी बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी पुअर। ये डॉक्टर साहब जिद है, जिद है, ये जिद बन गई। आप हेल्थ अपनी इंप्रूव करें, आप अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव करें, आप यू सी योर लाइफ शुड बी वर्थ लिविंग। तो वी आर डूइंग समथिंग इन दुबई, इंशाल्लाह आप हमसे इन टच रहें एंड वी विल डू समथिंग। एक स्ट्रांग मुल्क वही लोग बना सकते हैं जिनका एक स्ट्रांग माइंड जहन हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से और बात नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ताहिर मैं तुम पे अब नजर रखूंगी। देखिए आप नोटिस करें, बट माय आईज़ ये इस नाखून को इस नाखून से ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये मुंह में नहीं डालू। मैं अभी नजर हमारे तो सामने ही होता है, अभी देखती रहूंगी। ब्रेक के बाद जी एसएम खान से गपशप और सोनू डेंजरस एक कोरियोग्राफ करेंगे इनके साथ आइटम दिस इज इट शो ग्रैंड फिनाले, जो आप सैटरडे को देखेंगे उसके बारे में जरा गपशप होगी। की वॉचिंग गुड मॉर्निंग जी, हम मजे से वापस। Now